नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ और आप देख रहे हैं न्यूज 24 बाइट। कल मोतिहारी नगर निगम का चुनाव है और इस चुनाव में मोतिहारी के दो बड़े नेता आमने सामने हैं। दोनों के लिए यह घड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहीं इस कठिन परीक्षा की घड़ी में भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले और इन्हें बट वृक्ष के नाम से भी कहा जाता है जो राधामोहन सिंह कैंपिंग कर रहे हैं, वहीं उनके अगेंस्ट में भाजपा के ही विधायक हैं ढाका से पवन जायसवाल, वे भी पुरजोर मतलब की कोशिश कर रहे हैं कि उनको टक्कर दें। बता दूं कि मोतिहारी में जो प्रकाश अस्थाना है भाजपा के जिला अध्यक्ष, उनके पूरे सपोर्ट में राधामोहन सिंह है, तो वहीं उनके अगेंस्ट में जो प्रत्याशी हैं प्रीति गुप्ता जो देवा गुप्ता की पत्नी है उनके समर्थन में है पवन जायसवाल। दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और दोनों जो भाजपा के बड़े नेता हैं पवन जायसवाल और राधामोहन सिंह, ये अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और कोई भी ऐसा गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं जिससे उनके उम्मीदवार हार जाए। वैसे तो यह नगर निगम का जो चुनाव है प्रत्याशियों के बीच की लड़ाई है, लेकिन इस वक्त जो माहौल बन रहा है ये दो भाजपा के जो बड़े नेता हैं पवन जायसवाल और आपके राधामोहन सिंह, इनके बीच देखी जा रही है। नगर पालिका में जो दोनों के बीच में जो वार चल रहा है, दोनों आमने सामने हैं, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, पिछली बार हाल ही में जब जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिला परिषद के जो अध्यक्ष थी पवन जायसवाल की पत्नी थी और इस बार उनको हराने में ऐसा कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह का पूरा हाथ है, जिसके वजह से उनकी पत्नी फिर से दोबारा जिला परिषद की अध्यक्ष नहीं बन पाई। वहीं ऐसा एक भी कहा जा रहा है कि विधान परिषद का जो चुनाव अभी कुछ महीने पहले हुए हैं उसमें भाजपा के जो उम्मीदवार हैं बबलू गुप्ता वे हारे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह का ही हाथ माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और भाजपा के उम्मीदवार जिसकी वजह से हार गया और ये बात खुद वे भी जाहिर कर चुके हैं। और बबलू गुप्ता इस बार खुद देवा गुप्ता की पत्नी जो प्रीति गुप्ता है उसको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा जो लड़ाई है खुद भाजपा के मतलब कि जो बड़े नेता इनके बीच है। वही जानकार बताते हैं कि ये जो लड़ाई है राधा मोहन सिंह और पवन जायसवाल के बीच लगभग 2 दशकों से चली आ रही है। वहीं बता दूं जो इस बार नगर निगम का चुनाव होने वाला है इसमें राधा मोहन सिंह की जो प्रतिष्ठा है दांव पे है, क्योंकि अगर इस बार उनका उम्मीदवार नहीं जीतता है तो ऐसा कहा जाएगा कि लाख कोशिश करने के बावजूद उनका उम्मीदवार हार गया और उनका सिक्का इस बार नहीं चल पाया। वहीं पवन जायसवाल पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वे इस बार जो भाजपा के ही जिला अध्यक्ष हैं, वैसे भी वे भाजपा के पार्टी से आते हैं, भाजपा के टिकट पे वे ढाका से विधायक हैं, लेकिन वे भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के जो मोतिहारी जिला अध्यक्ष हैं प्रकाश अस्थाना वे हार जाए इसलिए क्योंकि उनका साथ दे रहे हैं राधा मोहन सिंह। तो ऐसा माहौल बना हुआ है। हालांकि मोतिहारी का जो चुनाव है इसमें नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, इसमें 3-4 लोग हैं जो कि मुख्य रूप से लग रहा है कि मतलब ये लड़ाई में है। पहला आपका प्रकाश अस्थाना जो जिला अध्यक्ष है, देवा गुप्ता की जो पत्नी है प्रीति गुप्ता वे हैं, उसके बाद जो रघुनाथपुर के पूर्व मुखिया है विनय सिंह वे भी लड़ाई में है, वहीं एक रंजीत गिरी है समाज सेवी है वे काफी मेहनत कर रहे हैं, ये चारों लोग लड़ाई में है। अब देखते हैं कि आखिर मोतिहारी मेयर का जो सरताज है किसके माथे चढ़ता है। हालांकि कल मतलब कि शाम तक थोड़ा बहुत तो अनुमान लग ही जाएगा कि कौन जीत रहा है। बाकी ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोतिहारी में भाजपा के लिए काफ़ी मतलब कि सिरदर्द साबित होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आगे जब चुनाव होगा तो इस बार मतलब कि भाजपा के ही लोग अलग हो चुके हैं, बिखर गए हैं और इस बार भाजपा का जो सांसद हो या विधायक हो उसके लिए राह आसान नहीं होगा। हालांकि अभी मोतिहारी में चुनाव प्रचार बंद है, लेकिन लोग काफ़ी जोर शोर से अपने जैसे तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं और कल सुबह से मतलब कि मतदान शुरू होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पैसे जा धर्म पे ना जाए, आप अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें और अच्छे और ईमानदार कैंडिडेट को वोट दें ताकि आने वाले समय में मोतिहारी का अच्छा विकास हो और अच्छा शहर बने। धन्यवाद।